तो इसमें एग्जाम्पल 28 और 29 देखते हैं, दोनों ही इंटीग्रेशन बाई सब्सिट्यूशन पे बेस्ड है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल बाई सब्सिट्यूशन ऑफ कोर्स। तो x टू द पावर 5 प्लस 1 को अगर हम t एज्यूम करें तो 5x टू द पावर 4 हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो हमने x टू द पावर 5 प्लस 1 को t एज्यूम कर लिया, तो ये इसका डेरिवेटिव करेंगे 5x टू द पावर 4 dx इक्वल टू dt। नाउ यू कैन सी क्लियरली दैट दिस 5x टू द पावर 4 अलॉन्ग विद dx ये रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो हमने अभी लिमिट हम बाद में रखेंगे, जब वापस t की वैल्यू रखेंगे तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ t और dx इंटू 5x टू द पावर 4 हमारा dt से रिप्लेस हो गया। तो ये हमारा t टू द पावर 1 बाय 2 उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, तो ऊपर चला जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, 2 बाय 3। अब t की वैल्यू हम वापस रख देंगे, दैट इज x टू द पावर 5 प्लस 1 टू द पावर 3 बाय 2। अब इसमें हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे -1 टू 1, क्योंकि अगर dx दिया है तो लिमिट भी x की है। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 बाय 2 और माइनस ये हम अगर हम यहां पर -1 रखते हैं तो -1, तो ये -1 टू द पावर 5 -1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज 2 बाय 3 इंटू 2 टू द पावर 3 बाय 2। अब 2 टू द पावर 3 बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, तो ये हमारा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, दैट इज रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। यहां पर डायरेक्टली हम इसको ये कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 बाय 2 और प्लस 2 टू द पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये भी आंसर हम दे सकते हैं। बट इट्स ओके, आंसर हमारा जो बुक में आ रहा है वो 4 रूट 2 बाई 3 आ रहा है। तो अब एग्जाम्पल 29 देखते हैं, इसमें हम चेंज ऑफ लिमिट देखते हैं, क्योंकि बुक ने जो सॉल्व किया वो चेंज ऑफ लिमिट से किया, तो मैं इसमें चेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो लिमिट चेंज हम करते हैं उसके हिसाब से करते हैं। तो अगर हम बाय सब्सिट्यूशन लगाएं तो tan इनवर्स x को हम t लेंगे तो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा, तो हमने लिया tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब यह क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt, तो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हमारा पूरा पूरा रिप्लेस हो गया dt से, t हो गया। अब देखिए ये चीज क्या है, tan इनवर्स x को अपने t लिया है तो ये t dt हो गया। अब हम लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट हमारी जो होती है वो dx दिया तो x की लिमिट हुई, ऊपर भी x की लिमिट हुई, तो जब x 0 होगा तो t क्या होगा, t होगा tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 0 होता है तो t 0 आ गया, यानी x 0 है तो t भी 0 है, तो लिमिट t की हो गई, क्योंकि dt है तो t की लिमिट लानी है। अब x अगर 1 होगा, जब x 1 होगा तो t क्या होगा, दैट इज tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होगा, पाई बाय 4, तो t इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया, तो लिमिट जो आ गई वो 0 टू पाई बाय 4 आ गई। t का इंटीग्रेशन होगा, अब देखिए वापस आपको t रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहां पर x की लिमिट थी और यहां t की लिमिट थी, तो आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो t का इंटीग्रेशन हुआ t स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया आपका 0 टू पाई बाई 4। अब लिमिट हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं t में, तो हो जाएगा पाई बाई 4 स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 16 टू द 32, तो पाई स्क्वायर बाई 32 हमारा फाइनल आंसर।